हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री शिव विद्यापीठ स्कूल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ इन हाउसेस। सो दिस इज़ आवर थर्ड इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सेवेंथ, इन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर नेम्ड डेटा हैंडलिंग। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डेटा हैंडलिंग। सो एज यूजुअल, जैसे हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इस चैप्टर में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि डेटा क्या होता है, हैंडलिंग क्या होता है, एंड उसके बाद हम लोग रेंज, मीन, मीडियन, मोड, ये सब टर्म्स के बारे में सीखेंगे। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बार ग्राफ्स, राइट, एंड एट लास्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, राइट। सो डेटा हैंडलिंग, सो व्हाट इज डेटा बेसिकली? सो डेटा का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में। मान लो जैसे कि आपके स्टूडेंट्स है स्कूल में, उनके मैथ्स के, साइंस के मार्क्स, या किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन, जैसे कि मान लो किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं डेटा। जैसे कि वेदर रिपोर्ट एक तरह का डेटा है, राइट। तो बेसिकली डेटा का मतलब होता है किसी चीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव हैंडलिंग। तो अब डेटा का मतलब मैंने क्या बोला, इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। Information about anything. And handling का मतलब क्या होता है? देखो, handling के word से ही समझ में आ रहा है। Hand means handle, मतलब उनको arrange करना, means handle करना अच्छी तरीके से, right? तो इसका मतलब होता है arranging informations. तो डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशंस, एंड हैंडलिंग का मतलब होता है अरेंजिंग इंफॉर्मेशंस, राइट। सो डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है जितने भी आपके पास डेटा होते हैं उनको अरेंज करना, अरेंज करके उसमें से कुछ कंक्लूजन निकालना, राइट। सो अब मैथमेटिक्स में इसका क्या यूज है? बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि आपको बहुत सारे डेटा दिए रहेंगे, एंड उसको आपको जैसे कि मींस टेबुलर फॉर्म में एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, तब आपको क्लियर समझ आएगा। सपोज आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, आउट ऑफ 10 बहुत सारे स्टूडेंट्स है क्लास में, उनमें से बहुत जन को मार्क्स मिले हैं, राइट। जैसे टेस्ट हुआ था एंड स्टूडेंट्स ने इतने इतने मार्क्स अचीव किए, जैसे कुछ 5, 7, 7, 6, 5, 4, 5, 5, 8, 8, 9। तो अब हमें इसे करना है अरेंज, राइट। सो आप इसमें डिफरेंट तरीके, मींस एक तो होता है असेंडिंग वे में अरेंज करना डेटा को, एंड एक होता है डिसेंडिंग वे में अरेंज करना। असेंडिंग वे मतलब, असेंडिंग मतलब आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, राइट। एंड डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो इसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि आपको छोटे से बड़े में ही जाना है या बड़े से छोटे में ही जाना है, आप कैसे भी इसको अरेंजमेंट कर सकते हो। तो पहले इसको पहले हम अरेंज कर लेंगे, ओके। ऐसे सबसे छोटा नंबर क्या है, 5, इसमें मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ इसको। पहले 4 है, फिर 5 3 टाइम्स आया, है ना, 4 टाइम्स आया, 1, 2, 3, 4। उसके बाद 6 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम 6 है, राइट।
उसके बाद सेवन टू टाइम्स है तो सेवन सेवन, और एट कितने टाइम्स है, एट भी टू टाइम्स है राइट, एंड नाइन टाइम, लास्ट में एक बच्चे को नाइन मिला। तो ये थे हमने जो मार्क्स थे उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फाइव फोर टाइम्स है मीन्स वन टू थ्री फोर सिक्स सिक्स सेवन 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 एट डबल एट एंड नाइन। सो दिस इज वी हैव अरेंज्ड दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको हमें टैबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। टैबुलर फॉर्म Now we have to arrange this in the tabular form, right? तो अब हम इसको tabular form में arrange करते हैं। तीन tables बन गए। अब एक एक table को हम समझेंगे कि क्या है, right? So first table में क्या लिखते हैं हम लोग कि क्या चीज है, मतलब ये क्या है। मतलब मान लो आपको इधर जैसे इधर हमने मार्क्स लिखा है तो आप यहाँ पर मार्क्स लिखोगे। अगर मान लो आपको वेदर रिपोर्ट दिया रहा है तो वेदर डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखेंगे आप लोग, ठीक है। एंड सिमिलरली आपको अगर दूसरे डेटास दिए रहेंगे तो दूसरे डेटास लिखना आप, राइट। सो यहाँ मार्क्स दिया है तो मार्क्स लिखेंगे, मार्क्स है फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। आप हो सकता था कि ये हमेशा वन, मतलब मान लो यहाँ वन से शुरू होता तो हम लोग वन से लिखते, टू से शुरू होता तो हम टू से लिखते, जहाँ से जो मार्क्स ऑकर हो रहे हैं हम वही लिखेंगे। जैसे फोर ऑकर हो रहा है तो फोर लिखा, फाइव ऑकर हो रहा है तो फाइव लिखा, सिक्स ऑकर हो रहा है तो सिक्स लिखा, सेवन ऑकर हो रहा है तो सेवन लिखा, एट ऑकर हो रहा है तो 8 लिखा, एंड 9 ओकर हो रहा है तो 9 लिखा। मान लो अगर किसी बच्चे को 1 मिला रहता तो हम लोग 1 भी लिखते है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पर है, मीन्स कौन से जो मतलब जो डेटास रहते हैं वो इधर हम लोग पहले लिख लेंगे। उसके बाद एक एक टेबल मीन्स एक जगह में हम लोग लिखते हैं टैली मार्क। अब टैली मार्क क्या होता है बेसिकली, सपोज इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ पर ताकि हम आप क्लियरली देख सको यहाँ पर क्या होता है इसका मतलब। सपोज आपके पास कोई एक डेटा है, समझ लो ऐसे रैंडमली समझ लो वन, तो वन को हम लोग टैली मार्क में कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे सिर्फ एक सीधा लाइन छोटा सा, राइट। एंड हाउ टू डिनोट टू, we do not do with the two lines, right? And next we used to denote three with the three lines. Next four, four को हम denote करते हैं four lines से। जब आप लोग five या उससे बड़े वाले numbers आप denote करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि five को कैसे डिनोट किया जाता है। फाइव को डिनोट किया जाता है मतलब फाइव ऐसे लाइन डायरेक्ट खींच नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा, राइट। फाइव जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टेली मार्क फॉर्म में तो उसका हम लोग इसको ऐसे डायगोनली एक लाइन खींच देंगे जो कि फाइव नंबर का लाइन होता है। तो वन के लिए एक लाइन, टू के लिए एक लाइन, दो लाइन्स, थ्री के लिए तीन लाइन्स, फोर के लिए फोर लाइंस, एंड लास्ट फाइव के लिए उन फोर लाइंस को एक डायगोनल लाइन से कट करने से वो फाइव हो जाएगा। अब मान लो आपको सिक्स लिखना है तो सिक्स को हम लोग फिर से वैसे ही वन टू थ्री फोर फाइव एंड नेक्स्ट सिक्स, राइट। तो इस तरह से ये चलता जाएगा जितने भी आपको डेटास मिलते रहेंगे। जैसे मीन सेवन मिला तो यहाँ पर फिर टू लाइंस हो जाएंगे, फिर एट टू थ्री लाइंस, राइट, फाइव सिक्स सेवन एट, फिर नाइन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, एंड टेन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, राइट। द
तो इस तरह से हम लोग टेलीमार्क फॉर्म में डेटाज को अरेंज करते हैं। ओके सो अब और एक चीज इधर लिखा जाता है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन सा नंबर या कौन सा डेटा कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ 4 एक टाइम रिपीट हुआ, 5 3-4 टाइम्स रिपीट हुए हैं, है ना, 6 1 टाइम रिपीट हुआ, 7 2 टाइम्स रिपीट हुए, एंड 8 भी 2 टाइम्स रिपीट हुए, एंड 9 भी 9 1 टाइम रिपीट हुआ। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी में ये लिखते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार वो ऑकर हो रहा है, मीन्स कितने बार वो रिपीट हो रहा है। ओके सो अब हम इसको लिखेंगे कि कैसे डेटा अरेंज होगा। तो 4 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, 5 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, फिर से 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, है ना, एंड 8 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड 9 1 टाइम रिपीट हो रहा है। मतलब कौन सा नंबर कितने बार रिपीट होगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में ऐसे लिखते हैं। अगर आपके पास यहाँ वेदर रिपोर्ट्स भी दिया रहता तो उसके केस में भी हम लोग सेम वे में ऐसे टेबुलर फॉर्म अरेंज करते टाइम ऐसे लिखते हैं। ओके तो अब हमने इसको फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर लिया, अब हम इसका टैलीमार्क करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि टैलीमार्क से पहले आपको फ्रीक्वेंसीज नोट करना बहुत जरूरी है। आप जब तक फ्रीक्वेंसीज उसमें नहीं लिखोगे तब तक आप टैलीमार्क्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि टैलीमार्क का मतलब ही होता है कि वो चीज कितने बार यहाँ रिपीट हो रही है ना। सो अब हम इसमें लिखते हैं, तो 1 टाइम्स रिपीट हो तो एक लकीर हम लोग खींच देंगे, 5 4 टाइम्स रिपीट हुआ मीन्स 4 लाइन्स, 4 6 1 टाइम, राइट, एंड 2 टाइम्स, एंड 8 2 टाइम्स, एंड 9 1 टाइम। सो 4 1 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 6 1 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, एंड 9 1 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या लिखते हैं कि कितने बार कोई नंबर या कोई डेटा ऑकर हो रहा है, एंड टैली मार्क में उसी को हम लोग मीन्स लाइन्स के थ्रू दिखाते हैं। अगर मान लो यहाँ 6 मीन्स अगर ये 7 बार ऑकर होता तो हम लोग 5 6 7 लिखते, मीन्स ऐसे करते काट के 6 और एक यहाँ पर लाइन लिख देते तो ये 7 बन जाता है ना। ऑलवेज मेक श्योर कि जो आप डायगोनली जो लाइन खींचोगे वो हमेशा लेफ्ट टू राइट खींचना। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे लाइन बना दिया एंड यहाँ से खींच दिया, या फिर बेसिकली बहुत सारी इसमें गलती करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखने कि हम लोग जो लाइन खींचेंगे वो लेफ्ट टू राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ओके तो इस तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टैली मार्क्स में हम लोग कैसे इसको अरेंज करेंगे एंड कैसे हम उसमें लाइन्स बनाएंगे। सो दिस इज अबाउट टेबुलर फॉर्म अरेंजमेंट एंड डेटा एंड हैंडलिंग। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम देखेंगे कि रेंज क्या होता है, मींस इसमें छोटे छोटे मींस क्या बोलूँ, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। इसमें से फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसका नाम है रेंज। उसके बाद है मीन, मीडियन, तो
तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, राइट। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं मीन क्या होता है। तो मीन बेसिकली क्या होता है, सपोज आपके पास, सॉरी हम लोग रेंज पढ़ रहे हैं ना, सॉरी। तो रेंज क्या होता है, तो सपोज आपके पास एक डेटा दिया है 2, 7, 5, 6, 3। आपके पास एक डेटा दिया, मान लो कुछ भी है, मान लो ये मार्क्स है, स्टूडेंट्स के मार्क्स है, ठीक है, ये मार्क्स है स्टूडेंट्स के, एंड इन दिस वे इट इज अरेंज 2, 7, 5, 6, 3। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। कोई भी आपको डेटा दिया रहेगा, कोई भी आपको ऐसे रैंडम डेटास दिया रहेंगे, इसमें से सबसे जो हाईएस्ट है उसमें से सबसे जो लोएस्ट है उसको हम लोग लेस करके रेंज निकालते हैं। तो इसका रेंज क्या होगा, हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 7, राइट, एंड इसका सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 2, राइट। इसमें ऑकरेंस का कोई इसमें मतलब नहीं है, राइट, क्योंकि जितना भी लोएस्ट है एंड जितना भी हाईएस्ट है दोनों मीन्स हाईएस्ट में से लोएस्ट को हम लोग लेस करके इसका रेंज बताते हैं। तो रेंज को R is equals to 7 minus 2 is 5. तो रेंज फॉर द डेटा ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर इज 5। तो इस तरह से आपको बहुत बड़े बड़े डेटास दिए रहेंगे एंड उनके आपको रेंज बताने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, सिंपली हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को लेस कर दोगे तो आपका रेंज निकल आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग मीन भी इधर लिखा हुआ है, मतलब मीन भी बोलते हैं एंड एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं इसे। तो मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ द डेटा, एवरेज ऑफ द डेटा। तो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज ऑफ द डेटा। एवरेज मतलब क्या होता है, जितने आपके पास ऑब्जर्वेशन रहेंगे मींस उसका सम डिवाइडेड बाय जितने आपके पास ऑप्शन मींस ऑब्जर्वेशन है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, राइट। तो ये जो मैंने अभी बोला ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिथमेटिक मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। What I have written, sum of observations divided by number of observations. तो आप basically observations क्या होता है, जैसे कि मान लो कुछ data दिया रहेगा ना, उसका आपको means उसी को देखना, मतलब उसका observe करना, means मान लो marks दिए रहेंगे किसी class के students के, तो उन्हें हम लोग observations बोलते हैं, है ना। So suppose करो हमारे पास कुछ data है, suppose random data लेते हैं, थोड़ा इजी ताकि आपको समझ आए। 4, 2, 3 कुछ भी रैंडम डेटा है, सपोज करो स्टूडेंट के मार्क्स ही है, ओके।
ऐसे डेटास दिए हुए हैं। तो अब मीन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो मीन इसका निकालते हैं। मीन इसका कैसे निकालेंगे, 4, 2, 3 तीनों को ऐड कर लेंगे। तीनों को ऐड करने से कितना आएगा हमारा, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब मेरे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन मिला, दो ऑब्जर्वेशन मिले, मतलब तीन ऑब्जर्वेशन मिले, मतलब बेसिकली यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन है। ये वाला 3 नहीं है, मतलब हमारे पास 3 ऑप्शन है, मतलब 3 नंबर्स दिए हैं, मतलब 3 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा है। तो ये हो गया हमारा मीन का फॉर्मूला। अब 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9। अब 9 / 3 = 3, है ना। सो वी कैन से दैट एरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा इज 3। तो इस तरह से हम लोग मीन किसी भी ऑब्जर्वेशंस का निकाल सकते हैं। आपको बहुत बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको ऑब्जर्वेशंस दिए रहेंगे एंड उसमें से आपको ऐसे एरिथमेटिक मीन्स निकालने होंगे, तो आप लोग अब निकाल पाओगे इजीली, राइट। तो ये था हमारा मीन के बारे में। Now let's see the next topic, which is median. So, अब median basically होता क्या? देखो, अब नाम से पता चल रहा है ना कि median मतलब मीड, मतलब मीड वाला एक मतलब वर्ड आ रहा है, राइट। तो मिडिल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सपोज करो आपके पास कोई सेम डेटा दिया है, ऑब्जर्वेशंस भी हैं 6, 4, 3, 2, 9। तो अब आपको इसका मीडियन निकालना है, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, राइट। तो बेसिकली आप इसका में क्या करोगे, इसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। अगर आप असेंडिंग या असेंडिंग में भी करते हो तब भी सही रहता है, अगर आप डिसेंडिंग में करते हो तब भी सही रहता है, लेकिन बेसिकली आप असेंडिंग में करने की ही कोशिश करना ताकि आपको थोड़ा इजी लगे, क्योंकि मैं भी बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर्स में डेटास को अरेंज करता हूँ। आप चाहे तो डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि थोड़ा सा ईजी लगता है ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने। जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इसको पहले 2 आया, उसके बाद 3, 4, 6 एंड लास्ट इट इज 9, राइट। सो 2, 3, 4, 6, 9 यहाँ जगह नहीं हो रहा था इसलिए हमने यहाँ लिखा। तो अब हमें इसका मिडिल वैल्यू पता करना है। तो देखो 2, 3, 4, 6, 9, तो मिडिल में कौन सा नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है ऑब्वियसली, राइट। इसको यही लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। देखो 4, 2, 3, 4, 6, 9, तो आपको मिडिल में कौन सा वैल्यू दिख रहा है, 4, है ना। सो वी कैन से दैट द मीडियन ऑफ दिस नंबर इज 4। तो इस जो ऑब्जर्वेशन इसका मीडियन क्या हो जाएगा, 4। मीडियन ऑफ द डेटा इज 4, है ना। तो 4 मिडिल में आ रहा है इसलिए ऐसे मिड इसको मीडियन हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से आपको और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिए रहेंगे ना, आपको उसका मिडिल वैल्यू निकालना होगा, तो आप इजीली आप निकाल पाओगे, है ना। बेसिकली इसका मिडिल में जो नंबर आता है ऑब्जर्वेशंस के, वही नंबर को हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो ये था मीडियन के बारे में।
अब हम देखेंगे कि मोड क्या होता है। सपोज हमें इसमें बोट समझेंगे अभी, राइट? तो बोट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नंबर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू और एनी नंबर, राइट? तो किसी भी ऑब्जर्वेशन का आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको जिस जो नंबर ज़्यादा टाइम्स ऑकर कर रहा है उसका वो होगा उस ऑब्जर्वेशन का मोड। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। सपोज आपके पास एक ऑब्जर्वेशन दिया है, सपोज 2 7 6 6 6 7 7 7, इसके बाद 2 अब ये हो गया एक ऑब्जर्वेशन, कोई भी रैंडम ऑब्जर्वेशन समझ लेते हैं इसको। तो अब इसका हमें निकालना है मोड, है ना? तो कैसे निकलेगा? पहले तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो पहले 1 एक बार ऑकर हुआ, फिर 2 2, फिर और कुछ नहीं उसके बाद, 6 है उसके पास, 6 6 6, उसके बाद 7 7 7 7 7। तो अब देखो इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स ऑकर हो रहा है? ऑब्वियसली 7, क्योंकि 7 7 5 टाइम्स ऑकर हो रहा है, 6 3 टाइम्स ऑकर हो रहा है, 2 2 टाइम्स ऑकर हो रहा है, 1 1 टाइम ऑकर हो रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 7, राइट? तो वी कैन ऑल्सो से दैट द मोड ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि 7 जो है वो ज्यादा टाइम्स ऑकर हो रहा है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग कैसे याद रखना? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नंबर। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नंबर इज नोन एज मोड। तो इस ऑब्जर्वेशन का मोड क्या था? 7। क्यों? क्योंकि 7 ज्यादा टाइम्स ऑकर हो रहा है किसी और नंबर के अलावा। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेंज, मीन, मीडियन एंड मोड, राइट? अब हम देखेंगे कि बार ग्राफ्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सो अब नेक्स्ट टॉपिक विच वी वर बीइंग डिस्कसिंग वेयर वाज बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स बेसिकली होता क्या है? सपोज आपने तो ये देखा होगा, मींस ग्राफ पेपर्स तो देखा ही होगा, राइट? मींस जो ग्रीन कलर का होता है एंड उसमें बहुत सारे लाइंस बने रहते हैं एंड उसका आपको प्लॉटिंग करना पड़ता है ना, तो उसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं। तो बार ग्राफ का मतलब होता है, बार ग्राफ बेसिकली ऐसे दिखते हैं, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस एंड इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस।
जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। एंड बार मीन्स ये तो ग्राफ बन गया राइट। अब इसमें हम लोग को बार्स कैसे बनाते हैं, सपोज आपको कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा ना, आपको ऐसे ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा बार के जैसे लग रहा है राइट, तो इसे ही अब बोलते हैं बार ग्राफ्स राइट। सो बार ग्राफ्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल बार और एक होता है डबल बार। तो हम एक एक करके अब सिंगल बार और डबल बार के को देखेंगे यहां पर। सो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास अब एक स्टूडेंट है किसी भी कोई भी क्लास में ठीक है, आप उसके सब्जेक्ट्स दिए हैं एंड उसके जितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो दिए हैं, मीन्स इंग्लिश हिंदी मैथ्स एंड साइंस। तो ये चार सब्जेक्ट हैं एक स्टूडेंट का, स्टूडेंट है उसके चार सब्जेक्ट्स में उसने एग्जाम दिए है एंड उसके मार्क्स कुछ इस प्रकार के हैं। इंग्लिश में उसका आया 7, उसका हिंदी में आया 5, उसका 8, इसमें आया है 6 साइंस में राइट। इंग्लिश में आया 7, हिंदी में आया 5, मैथ्स में आया 8, साइंस में आया 6। तो ये हो गया हमारा एक डेटा बोल सकते हैं या ऑब्जर्वेशन। अब हमें इसे दिखाना है बार ग्राफ में। अब बार ग्राफ इसको कैसे दिखाएंगे, हमने यहाँ पर एक बार ग्राफ बनाया है ये हो गया हमारा बार मीन्स जो ग्राफ होता है वो, एंड ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो अब हमें इसमें पहले इसके सब जो डेटाज है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखोगे सब्जेक्ट्स या जो भी कुछ यहाँ पर डेटा दिया रहेगा वो, जैसे यहाँ पर पहले दिया है इंग्लिश, उसके बाद दिया है हिंदी, उसके बाद यहाँ मैथ्स दिया है, उसके बाद साइंस दिया है ना। इस तरह से आप लोग पहले डेटाज को जो जो चीज़ का डेटा दिया है उसको पहले लिख लो, उसके बाद हम इसमें स्केल लिखना है। अब स्केल मतलब जो पेंसिल बॉक्स पे जो स्केल होता है वो नहीं, स्केल इसमें कुछ और होता है। सपोज यहाँ जो भी डिजिट्स है वो वन डिजिट्स नंबर है रहे ना, तो हम लोग इसमें बेसिकली वन डिजिट्स वाले नंबर तक की स्केल चूज करेंगे। तो 0 हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 10, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे 10। तो ये हो गया हमारा स्केल। अब प्लॉट करना बहुत ही इजी, आप एक बार देख लोगे समझ जाओगे तो आप फॉरएवर इसको याद रख पाओगे। अब देखो इंग्लिश में 7 मिला है, मतलब हमें इसको अब
सेवन में प्लॉट करना है तो सेवन में इस तरह का हम लोग ग्राफ बना देंगे। Use scale while doing this type of things means straight line वाली चीज़ों में आप लोग scale use कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसलिए किया ऐसे किया क्योंकि मेरे पास scale नहीं है तो वो lines थोड़े आड़े टेढ़े बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया English का, ये हो गया। अब देखेंगे हिंदी में 5 marks है मतलब 5 के parallel line बनेगा। ये हो गया 5 का लाइन। अब मैथ्स में कितना है 8, तो 8 के पहले रनने से बार बना देंगे। उसके बाद है 6। अब 6 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा है ना। सो इस तरह से आपको ऐसे ग्राफ्स मीन्स ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे ना, आपको इसमें से ऐसे करके ग्राफ या जो भी बार ग्राफ्स ऐसे बनाने पड़ेंगे। तो ये तो था सिंगल बार ग्राफ, अब हम डबल बार ग्राफ के बारे में सीखेंगे। ये तो आपको समझ आ गया होगा राइट। अब मान लो इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, अब सपोज मान लो ये था, ये है मान लो फर्स्ट टेस्ट के एग्जाम्स, फर्स्ट टेस्ट में इस जो भी स्टूडेंट है उसको 7, 5, 6, 8 मिला। अब सेकंड टेस्ट में एट सिक्स फाइव सेवन राइट। तो सेकेंड टेस्ट में उसको मिला है 8, 6, 5 and 7। तो अब आप इसको प्लॉट करना है बार ग्राफ में, तो जनरली आपके माइंड में क्या आएगा कि हम लोग तो इसमें कर दिया है, अब नीचे और एक बना लेंगे। ऐसा इस बार ग्राफ के केस में ऐसा नहीं होता है, हम लोग को बेसिकली इसी में दिखाना पड़ता है। जब तक कुछ मेंशन के नहीं किया रहेगा तो आपको इसी में एज्यूम करना पड़ेगा कि इसी में बनाना है। तो इंग्लिश में फर्स्ट टेस्ट में आया था 7, 7 हमने प्लॉट कर दिया, तो 8 आप कैसे प्लॉट करोगे। सो आई यूजिंग अनदर पेन फॉर दिस। सो 7 एंड इसके बाद उसको आया है सेकेंड टेस्ट में 8। राइट, इसमें आया 7, उसमें आया है 8 एंड हिंदी में आया 6। पहले उसका था 5, इसके बाद बढ़ गया 6। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लाइंस बनाते टाइम स्केल यूज कीजिएगा, क्योंकि ताकि आपको जो काम हो वो थोड़ा नीट एंड क्लीन हो एंड आपको एज वेल एज टीचर्स को समझ में आए। राइट, जब आप एग्जाम्स लिखोगे तो हर चीज नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तभी एक इंप्रेशन पड़ेगा ना टीचर के सामने। ऑलवेज मेक श्योर कि आप हर चीज को नीट एंड क्लीन कर दें एंड पैराग्राफ्स को बेसिकली आप लाइंस को स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। तो मैथ्स में आया था 8, उसके बाद हो गया इसका 5। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, जो नंबर रहेगा उसके पैरेलल हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब लास्ट में उसका आया था 6, साइंस में 6 आया था। अब नेक्स्ट सेकंड टेस्ट में उसका आया 7, तो 7 के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको थोड़ा बढ़ा दिया, ये आ गया इसका 7। तो इट इज बिट क्लियर राइट। तो इस तरह से हम लोग डबल बार ग्राफ्स बनाते हैं राइट।
सो फर्स्ट टेस्ट में इतने मिले थे तो हमने ब्लू मार्कर से किया है, एंड सेकंड टेस्ट में हम लोग को इतने मिले थे तो हमने रेड मार्कर से किया है, राइट? आप चाहे तो दूसरे एब्रिविएशंस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर स्टार बना दिया, यहाँ पर ब्लॉक्स बना दिया, स्टार ब्लॉक, ऐसे करके ताकि कन्फ्यूजन ना हो टीचर को एंड डेटास एंड बार ग्राफ्स समझ में आए। तो इस तरह से आप लोग ऐसे जो बार ग्राफ्स है वो ऐसे करके बनाया जाता है। सो दिस इज अबाउट हाउ टू मेक एंड डिटरमाइन बार ग्राफ्स। तो ये तो था बार ग्राफ्स के बारे में। अब बार ग्राफ में एक चीज है, ये हमेशा ध्यान रखना, जो कि है स्केल के बारे में। मान लो आपके पास मार्क्स दिए रहेंगे या कोई भी ऐसा डेटा दिया रहेगा, जरूरी नहीं है कि मैं मार्क्स ही लिख रहा हूँ तो मार्क्स ही दिया रहेगा, आपको कुछ और डेटा भी दिया रह सकते हैं, आपको बस उसको प्रॉपरली अरेंज करना आना चाहिए। 67, 75, 88 and 96 क्या क्या है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। आप देखो यहाँ पर 67, 75, 80 and 96, तो ये बेसिकली टू डिजिट नंबर्स में सब है, राइट? तो इसका हम लोग स्केल कैसे अब डिटरमाइन करेंगे? तो इसके आपके पास दो पॉसिबल केसेस आ जाते हैं। एक केस आ जाता है आपके पास कि आप 10-10 के गैप्स में जो है स्केल इधर देखें, तो 10-10 के गैप में एक देख लेते हैं। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and lastly it is 100, right? तो इस तरह से आप लोग स्केल ऐसे ले सकते हो, राइट? या फिर इसके केस में आप लोग एक और वे से भी इसको ले सकते हो, जैसे कि 20s के गैप में। बट आई एम ट्राइंग टू से इज आप इसको 20 के गैप में भी ले सकते हो, जैसे 20, 40, 60, 80 and 100। तो गैप चाहे कोई भी, आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मीन्स जितना भी गैप ले रहे हो वो हर नंबर के बाद रिपीट होगा। ऐसा नहीं है कि आप इस पर 10 का गैप ले लिया, उसके बाद 20 का गैप ले लिया, उसके बाद 30 का गैप ले लिया, ऐसा नहीं। जब आप 10 का गैप ले रहे हो तो 10 का ही गैप आप लोग रिपीट करोगे, एंड आप अगर 20 का गैप ले रहे हो तो 20 का ही गैप आप लोग रिपीट करोगे स्केल लिखते टाइम। तो आप देखो 67, राइट? तो 60s एंड 80s के बीच में कहीं आएगा, है ना? तो इसको हम लोग पैसे ऐसे इसको हम डिनोट करते हैं ई से, क्योंकि थोड़ा जगह इधर कम हो रहा है तो मैंने ई लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। ये हम लोग 20s के केस में समझ रहे हैं। तो देखो 67 मतलब 60 और 80 के बीच में आएगा, लेकिन इस केस में जहां हमने 10-10 का गैप लिया तो वहां पर 60 और 70 के बीच में आएगा, मतलब 65 से थोड़ा ऊपर बेसिकली यहां पर, है ना? तो ये था इंग्लिश का 60s और 80s के बीच में, ये हमने देख लिया, एंड 60 और 70 के बीच में देख लिया। उसके बाद है 75, 75 में 60 और 80 के बीच में आता है, होगा ना, है ना? तो 75 ऐसा दिखा दिया, ये था हिंदी का, एंड
गैप्स के अकॉर्डिंग आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। 60 और 80s के बीच में 70 आता है, एंड 60s और सॉरी 70 और 80 के बीच में 75 आता है, तो 70 और 75 के बीच में से बनाएंगे, राइट। अब देखो मैथ्स में 88 आया है, तो 88, 80 और 100 के बीच में रहेगा, तो 88 यहाँ आएगा। लेकिन मैथ्स का जो ये मार्क्स है वो यहाँ पर 80 और 90 के बीच में है, क्योंकि 80 के और 90 के बीच में 88 आता है ना। सो आप ऐसे ध्यान रखना कि आप जैसे भी मतलब स्टेटस अरेंज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसको, मीन्स जितने भी गैप्स ले रहे हो स्केल के बीच में उसके अकॉर्डिंग आप लोग डेटा अरेंज करो, है ना। अब लास्ट बचता है साइंस, जिसमें मिला है 96। तो मैं साइंस का थोड़ा सा 100 से थोड़ा नीचे, एंड यहाँ पर 100 से थोड़ा नीचे, ये था मैथ्स का, ये था साइंस का। तो इस तरह से हम लोग स्केल को भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। अगर आप 2-2s का गैप में ले रहे हो तो 2-2s का गैप में ही लेना, अगर 1-1 के गैप में ले रहे हो तो 1-1 के गैप में ही लेना। हमेशा ध्यान रखना कि जितना भी आप गैप ले रहे हो वो हर बार रिपीट होना चाहिए, मीन्स अगर 1 का गैप ले तो 1 बार नहीं रिपीट होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट बार ग्राफ्स। अब एक छोटा सा टॉपिक है इसमें जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, वो अब हम लोग देख लेंगे। इसमें लास्ट टॉपिक विच ऑफ टुडे इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी इंसिडेंट का या फिर किसी भी चीज़ का जितने बार वो होता है, मीन्स जितने बार वो हैपन करता है, मीन्स द चांसेस ऑफ द हैपनिंग ऑफ एनी इंसिडेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मान लो आपके पास एक कॉइन है, आप लोग ने क्रिकेट ज़रूर खेला होगा, राइट। क्रिकेट में कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, है ना। वैसे क्रिकेट में ही नहीं, बेसिकली बहुत सारे गेम्स में कॉइन टॉस करके डिसाइड किया जाता है से कॉइन। तो अब मान लो हमने एक कॉइन को टॉस किया, राइट। तो बेसिकली इसमें हमें या तो हेड मिल सकता है या फिर टेल्स मिल सकता है ना। अब हेड्स और टेल्स के में तो हेल्स तो नहीं मिल सकता है ना। तो बेसिकली इसके जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो हो सकता है हेड या टेल, या तो हेड आएगा टेल्स आएगा, या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा, इन दोनों के अलावा और कोई चीज नहीं आ सकता। और मान लो यहाँ पर एक डाइस है, आपने लूडो या फिर वैसे स्नेक्स एंड लैडर्स नाम के बहुत सारे गेम्स में इसको यूज किया जाता है, राइट। तो आपने डाइस देखा होगा, राइट। डाइस बेसिकली क्यूब शेप में होता है, एंड उसे हम लोग यूज़ करते हैं लूडोज या दूसरे गेम्स में यूज़ खेलने के लिए। तो मान लो डाइस में हमें हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो या तो 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आएगा, इनमें से तो अलग और हो नहीं सकता ना, क्योंकि आपने कभी डाइस में 7 नंबर कभी देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि होता ही नहीं है। तो इसके जो पॉसिबल प्रोसिबिलिटीज हो सकते हैं वो हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 या 6। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला बेसिकली क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divided by
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। So what I have written, favorable number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. अब इसको हम लोग समझते हैं। Suppose आपको पूछा गया कि आपने कॉइन टॉस किया, तो अब हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अब उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मान लो फेवरेबल आउटकम्स एक होगा राइट, क्योंकि हमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो मान लो अगर हम हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, तो हम लोग हेड यहाँ रखेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है राइट, क्योंकि या तो हेड आता है या फिर टेल आता है राइट, तो डिवाइडेड बाई 2। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड और गेटिंग एन टेल इज 1/2। इस तरह से हम लोग कॉइन के केस में हमने देख लिया कि ऐसे प्रोबेबिलिटीज आती है। अब मान लो आपके पास डाइस दिया है, डाइस के पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज का 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट। तो अब आपको बताना है कि मींस एक डाइस आपने टॉस किया राइट, तो अब 3 या उससे छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटीज होती है। तो 3 से छोटे नंबर 3 है राइट, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो 1, 2, 3 या फिर 4, 5, 6 राइट। तो हमें निकालना है कि 3 या उससे छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 3 राइट, क्योंकि 3 पॉसिबल आउटकम्स है, 1, 2, 3 है ना, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये हो गया 6 है ना। 3/6 इज 1/3, 1/3 भी लिख सकते हैं या फिर 3/6 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 और लेस देन 3 इज 1/3 राइट तो इस तरह से हम लोग कॉइन का या फिर दूसरे किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, क्योंकि यही है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। सो इसी के साथ हमने बेसिकली सब मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, इसमें ऑलमोस्ट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आप जब एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करोगे वो आपको इजी लगेंगे राइट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर सम होमवर्क्स। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस चैप्टर से या पिछले किसी भी चैप्टर से, तो आप उसकी डिमांड कीजिए राइट। आपकी डिमांड में वो जो उसका सम या उसका जो सॉल्यूशन जो भी डाउट है वो यहाँ पर आपको फिर से समझाया जाएगा। Because doubt is general, doubt is the basically the sign of that student is learning and studying in the house. Okay, तो आप लोग exercise 3.1 के 1, 2, 3 और 4 ये चार homeworks करके रखिएगा। एक्सरसाइज 3.2 के 1, 2 एंड एक्सरसाइज 3.3 के 2 और 3। सो व्हाट आई हैव सेड, एक्सरसाइज 3.1 1, 2, 3, 4, एक्सरसाइज 3.2 1, 2 एंड एक्सरसाइज 3.3 2 और 3। तो ये क्वेश्चंस आप घर में करके रखिएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर और सम्स इन दिस चैप्टर, यू कैन डिमांड फॉर इट। आपके डिमांड में वो जो उसका सम या उसका सॉल्यूशन है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ हो जाता है ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।